हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की बैठक अध्यक्ष हरीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें प्रदेश सचिव रविंदर सिंह ने विशेष रूप से भाग लिया। बैठक में चालकों, परिचालकों, कर्मशाला कर्मचारियों को नियमित करने के लिए निगम के MD व सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया गया। आज हमारे हिमाचल परिवहन मजदूर संघ रामपुर इकाई की बैठक HRTC कर्मशाला रामपुर में संपन्न हुई, जिसमें श्री रविंदर सिंह जी, प्रदेश सचिव हिमाचल परिवहन मजदूर संघ, विशेष रूप से उपस्थित रहे और कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ में हाल ही में हिमाचल सरकार व निगम प्रबंधन के द्वारा हमारे विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को नियमित किया, रेगुलर किया व पदोन्नत किया, जिसके लिए मैं हिमाचल परिवहन मजदूर संघ रामपुर इकाई की तरफ से दिल की गहराइयों से हिमाचल सरकार व निगम प्रबंधन का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और एक छोटी सी अपील हिमाचल सरकार व निगम प्रबंधन से करना चाहता हूं कि आज की डेट में हमारी कर्मशाला का ज़्यादातर कार्यभार पीसमिल कर्मचारियों पर है, उनके लिए भी एक ठोस नीति बनाई जाए। मुझे हिमाचल सरकार व निगम प्रबंधन पर पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी हमारे कर्मचारियों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए, उनके ऊपर विचार विमर्श करते हुए हिमाचल सरकार व निगम प्रबंधन मिलकर उचित निर्णय लेंगे। अंत में मैं एक बार पुनः हिमाचल सरकार व परिवहन मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी व हमारे प्रबंधक निदेशक श्री यूनिस खान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए रामपुर शहर से रमेश शर्मा।